नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में शाम को हुई बारिश से कई इलाकों में जलजमाव हो गया है। इसके चलते लंबा ट्रैफिक जैम भी देखने को मिला। नोएडा और गुरुग्राम में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। हल्की बारिश में ही दिल्ली नोएडा के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर जबरदस्त जैम देखने को मिला। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। दफ्तर से घर लौट रहे लोगों को पहुंचने में काफी वक्त लगा और वो परेशान होते रहे। वहीं बारिश से गुरुग्राम में भी हालात खराब रहे। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी भरने से लंबा जाम लग गया। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं, जो अब हम आपके सामने दिखाने वाले हैं, कि ट्रैफिक का क्या हाल हो गया है। गुरुग्राम के लोगों ने सोशल मीडिया पर जाम की तस्वीरें भी शेयर की हैं। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ने से लोगों को घर पहुँचने में बहुत वक्त लगा। वहीं मथुरा में भारी बारिश से भी हालात खराब हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मथुरा में कुछ जगहों पर कमर से भी ऊपर तक पानी भर गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की जीप और ट्रैक्टर तक आधे डूब गए हैं। दिल्ली एनसीआर के बाद अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। सैकड़ों गांवों से संपर्क टूट चुका है। बिगड़ते हालात के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। पालघर में सूर्या परियोजना में धामनी बांध के भर जाने से यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें पालघर की है, जहां पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। सैकड़ों गांव से संपर्क भी टूट चुका है। बिगड़ते हालात के चलते स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो महाराष्ट्र में बंद कर दिए गए हैं। पालघर में सूर्या परियोजना में धामनी बांध के भर जाने से यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। मुंबई से सटे पालघर में बारिश की रफ्तार थोड़ी थमी जरूर है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। पालघर ग्रामीण इलाके में भटाने और उस गांव को जोड़ने वाले पुल से पानी बह रहा है। दोनों गांवों में संपर्क टूट चुका है। मुंबई और महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जिले हैं, जिन्हें की जलमग्न कर दिया है। और खास करके जो नदियां हैं सभी उफान पर हैं और बह रही हैं, और इससे खतरा पैदा हो गया है जो आसपास के गांव हैं उनके डूबने का। जैसे 15 से 16 गांव का संपर्क टूट गया है। उस गांव का मतलब एक गांव है, यहाँ तक भाताने का गांव है। उससे तानसा नदी के बीच में पांडरतारा पुल है, उसको 3 दिन से यहाँ पानी ऐसा ही बह रहा है। इसके लिए स्कूल जाने के लिए, स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। वो घूम के जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर रहेगा स्कूल, फिर ये पानी रहने के बाद 10 से 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। हम लोग सब्जी लेने नहीं जा पा रहे हैं बाढ़ की वजह से, और राशन पानी नहीं ले जा रहे हैं, और बहुत दिक्कत हो रहा है बाढ़ की वजह से। हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जो बाजार है उस तरफ है जी, बाजार हमारा नाके के तरफ है।
भारी बारिश का असर धान की रुपाई पर भी पड़ा है। खेतों में ज्यादा पानी भरा होने से बुआई में देरी हो गई। पूरा खेत डूब रहा है, इसके वजह से मतलब जुताई में रुकावट आ रही है इसे। अगर ये बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई होती तो आप कब इसको रोपे होते? बहुत जल्दी लगा के काम खत्म हो जाता मेरा। अच्छा, तो कितनी दिन की देरी हो गई? अभी कम से कम 8-10 दिन ज्यादा हो गया इसमें। तो इससे क्या असर होगा फसल पे? लेट जाएगा सब, ये धान होने में लेट जाएगा। बाई चांस आगे बारिश भी निकल जाएगा, मतलब कम होते जाएगा, तो धान बराबर पकेगा नहीं। अच्छा। भारी बारिश से सिर्फ ग्रामीण ही नहीं शहरी भी परेशान है। सड़कों पर पानी के साथ ही वसई नाला सुपारा की कुछ सोसाइटियों का हाल तो बहुत ही बुरा है। जब से बारिश शुरू हुई है तब से जीवन चेतना हाउसिंग सोसाइटी कंपाउंड में पानी भरा है। ये पानी पूरा जम गया है और घर के ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में पूरा पानी घुस गया है। मतलब 6-7 दिन से पानी ऐसे ही सोसाइटी? हाँ, पानी ऐसे ही सोसाइटी। लेकिन आप लोग मोटर से निकाल तो रहे हैं? हाँ, अभी हम लोग पानी मोटर से निकाल रहे हैं, लेकिन जब बारिश आ जाता है तो पूरा चारों तरफ से पानी हमारी सोसाइटी में घुस जाता है। ऐसा लगता है कि स्थानीय महानगर पालिका ने सभी को अपने हाल पर छोड़ दिया है। सोसाइटी वालों ने अपने पैसों से मोटर पंप लगाया है, लेकिन बारिश लगातार जारी रहने से पानी में ही रहने को मजबूर है। बाथरूम से, टॉयलेट से भी, और किचन के तो बेसन अपने नीचे होता है उससे भी एक जगह से समझ सकते हैं। चार ये सामने से वापस तो कैसे आप लोग रहते हैं फिर? सर, रहना तो पड़ेगा, कहाँ जाएंगे फिर हम लोग घर छोड़ के? इतने साल से रह रहे, तो घर से जाता नहीं सकते किधर। मैं अकेले रहते हैं, मेरे को नीचे जाने को नहीं। महानगर पालिका कुछ नहीं करती? अरे 2-3 बार खाली पैसे देके जाते हैं, एक बार देख के आया है, बाकी कोई नहीं। रुपए ज्यादा आए थे एक बार। इसको कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए ऐसा कुछ? अरे वो मोटर लगाया है हम लोग ने, अभी लाख लाख रुपया कहाँ से लगे, इधर सब रिटायर्डमेंट है सब रहते हैं। ये ऐसी सोसाइटी है जो कि वैध तरीके से बनी हुई है, प्रॉपर्टी टैक्स और सब कुछ जिनका दिया गया है, और ऐसे लोग रहते हैं जो कि इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन कहीं से भी कहीं कोई महानगर पालिका से उससे कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नतीजा लोग ऐसे ही रहने के लिए मजबूर हैं और रह रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। वसई से कैमरामैन अशोक महानी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं दक्षिणी दिल्ली के बेहद पॉश इलाके मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक लड़की की लोहे की रोड से पीट पीट कर हत्या करने से हड़कंप मच गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी 28 साल के इरफान से पूछताछ में खुलासा हुआ कि नरगिस की हत्या की प्लानिंग इरफान ने 3 दिन पहले ही कर ली थी। मुझे मौत चाहिए उसकी सर, और कुछ नहीं, मौत चाहिए। तेरा बच्चा मारा, मुझे मौत चाहिए सर। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर थाने से ये जो शख्स ले जाया जा रहा है, पुलिस के मुताबिक यही वो इरफान है जिसने शुक्रवार को मालवीय नगर में दिन दहाड़े नरगिस नाम की लड़की की हत्या कर दी। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में विजय मंडल पार्क में यही वो बेंच है जहां पर दिन दहाड़े एक लड़की की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इरफान और नरगिस के परिवार आपस में रिश्तेदार हैं। इरफान नरगिस से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया, जिसके बाद नरगिस ने इरफान से बात करनी बंद कर दी। इरफान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मालवीय नगर के पार्क में बेंच पर नरगिस की रॉड मार मार कर हत्या कर दी। कॉलेज में गया, गेट पे घेरे खड़ा था, लड़की वही फोन करा, कही पापा ऐसी ऐसी बात है, तो हम लोग पहुंचे तो उसने उसके घर वालों से ना करी, तो उनके घर वालों ने हाथ पांव जोड़ लिए, कही आज छोड़ दो, आज के बाद कोई कैसा काम नहीं होगा। तो मैंने कही चल रिश्तेदारी का मामला है भाई, छोड़ दे, कोई बात नहीं, सही है, कह दिया। अब वो आज तो मार ही दिया, जानते सर उसमें क्या कर सकते, सर यही चाहिए उसकी मौत चाहिए, मेरी एक ही औलाद थी, एक ही लड़की थी, और लड़की की बदला चाहिए सर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कमला नेहरू कॉलेज से की है, उसने इसी साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और स्टेनो की कोचिंग कर रही थी मालवीय नगर में। तो लड़के को ये पता था कि स्टेनो की कोचिंग के लिए लड़की आती है, लड़की चूंकि इससे बातचीत नहीं कर रही थी, इसका फ़ोन आंसर नहीं कर रही थी, इससे फ़ोन पे कोई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, इस वजह से इसने लड़की को स्पॉट किया था और उसके दिमाग में पिछले 2-3 दिन से चल रहा था कि लड़की से किसी तरीके से वो बात करे, और वो तैयारी के साथ आया था कि लड़की को लेकर के इस पार्क में जाएगा, और चूंकि लड़की मना कर रही थी तो उसके लिए, लड़के के लिए एक डू और डाई सिचुएशन था। उसने
ये इंसिडेंट किया। ये घटना बताती है कि ऐसा सिर फिरा प्रेम किस काम का जिसमें आप हत्यारे और अपराधी बन जाएं। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध जारी है। मॉनसून सत्र के सातवें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। इसके बाद दोनों सदन स्थगित हो गए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तारीख अगले हफ्ते तय होगी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी चर्चा की शुरुआत में मौजूद रहेंगे। विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था। नियम के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस देने के 10 दिन के अंदर चर्चा करानी होती है। दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी लगातार इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को कहा कि यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक हत्या करने का प्रयास है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस अध्यादेश के खिलाफ है। जेडीयू ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को वोटिंग के दौरान सदन में रहने और पार्टी के स्टैंड का पालन करने को कहा है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी जेडीयू सांसद हैं। जेडीयू नेताओं के मुताबिक अगर उपसभापति हरिवंश बिल पर मतदान के वक्त चेयर नहीं हुए तो उन्हें जेडीयू सांसदों के साथ बिल के खिलाफ मतदान करना होगा। Commencing Monday, the 31st of July, 2023, will consist of the territory of Delhi Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023. शुक्रवार को सरकार ने संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल की असली लड़ाई राज्यसभा में है, जहां एक एक वोट गिने जा रहे हैं। इसी से एक सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर भी अहम हो गया है, जो जेडीयू से सांसद हैं। जेडीयू ने हरिवंश सहित अपने सभी 5 राज्यसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के विरोध में वोट करने का निर्देश दिया है। हरिवंश आपके पार्टी की तरफ से चुने गए हैं जो उपसभापति हैं, आपको लगता है ये डायरेक्टिव उनके लिए भी है? सब लोगों के लिए है। 5 हमारा राज्यसभा सांसद है, 5 लोगों के लिए हमने व्हिप इशू किया। सब एमपीज को यही बोला गया कि दिल्ली का बिल जब आएगा पार्टी का जो स्टैंड है उसका समर्थन करके दिल्ली बिल का विरोध में वोट करने के लिए बोला गया। और हरिवंश को पार्टी के सांसदों के साथ ही मतदान करना पड़ेगा जी? ऑब्वियसली जेडीयू के तरफ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता जाएगी। हालांकि इस सरकार में जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन कायदे से जो परंपरा रही है उसमें अगर जो भी सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जाती है। सदस्यता जाती है, बिल्कुल। तो आपको लगता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जब पेश किया जाएगा तो हरिवंश को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के साथ ही वोट करना चाहिए? बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक शायद ये पहला मौका है जब हरिवंश को जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति रहे पीजे कुरियन कहते हैं उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी व्हिप जारी नहीं किया गया। उपसभापति एक संवैधानिक पद है और उसके लिए व्हिप जारी ना करना ही बेहतर है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मुझे व्हिप जारी नहीं किया, उन्होंने इसे मेरे निर्णय पर छोड़ा। उनका निजी फैसला है, बट ये जरूर है कि तमाम पार्टियां व्हिप इशू कर अपने सारे सांसदों को ये निर्देश दे रही हैं कि संसद के भीतर रहें, मतदान के समय रहें और मतदान इस अध्यादेश को हराने के लिए अपना योगदान मतदान के माध्यम से दें। राज्यसभा के उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद है, ऐसे में जेडीयू द्वारा हरिवंश को व्हिप जारी करने का फैसला कई सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी विश्वासों की पृष्ठभूमि और पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन शायद अब जेडीयू के भीतर ये एहसास है कि बीते दिनों वो पार्टी के रुख से कुछ अलग हुए हैं। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदन की मर्यादा और नियमों के अनुरूप हरिवंश अपने लिए क्या फैसला करते हैं।
संसद भवन से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर के मोरे में शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं ने सड़क को जाम कर सुरक्षा बलों का रास्ता रोक दिया। मोरे के लोग नहीं चाहते कि इलाके में स्थानीय पुलिस आए। हाल ही में स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प से मोरे का कुकी समुदाय काफी नाराज है। वहीं मणिपुर की हिंसा पर कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने कहा है कि हिंसा को धार्मिक रंग दिया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये जनजातीय हिंसा है। साथ ही उन्होंने शांति की अपील भी की। दिस इज अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, टू ट्राइब्स हिस्टोरिकली वेरी हॉस्टाइल टू ईच अदर एंड इट एक्सप्लोडेड इनटू वायलेंस बिकॉज ऑफ सर्टेन legislation which was passed. It is given a religious twist, but it is not a religious conflict between two religions, it's between two tribes, and we must now not do anything that will worsen the situation. गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से बीजेपी की पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी की यह पदयात्रा 6 महीने तक चलेगी। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत में पूरा जोर लगा रही है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के मुताबिक, हम जनता के सामने पीएम मोदी की उपलब्धियों को रखेंगे और तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन मांगेंगे। 1770 किलोमीटर की यह पदयात्रा सभी 39 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को परिवारवाद से मुक्त करने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की यात्रा है। एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु के कानून और व्यवस्था को अच्छा बनाने का एक प्रयास है। और एन मन एन मक्कल यात्रा तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के युग की समाप्ति करकर विकास का युग, गरीब कल्याण का युग शुरू करने की यात्रा है। और यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुबई के शेख की 46 फुट की हमर एसयूवी। पंजाब में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसी बाढ़ से एक अच्छी खबर भी सामने आई। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान वॉलंटियर जगजीत सिंह 35 साल बाद अपनी मां से मिले। पटियाला के बोहरपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दौरान जगजीत अपनी मां हरजीत कौर से मिले। जब जगजीत 6 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। 2 साल बाद जगजीत के दादा दादी उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले आए थे, लेकिन अब 3 दशक से ज्यादा समय के बाद जब मां बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों के ही आंखों में आंसू थे। दुबई के शेख और उनकी शानो शौकत दुनिया भर में मशहूर है। आजकल दुबई के एक शेख की 46 फुट की हमर एसयूवी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रेगुलर हमर के मुकाबले एसयूवी काफी बड़ी है। इस विशालकाय हमर के मालिक हैं शेख हमाद बिन हमदान। इन्हें रेनबो शेख ऑफ दुबई के नाम से भी जाना जाता है। वो अपनी कारों के कलेक्शन के लिए काफी मशहूर है।
और बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।